पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखे, लेकिन उपलब्धियां है ही नहीं, इसलिए भाजपा का एकमात्र एजेंडा है कमलनाथ को गाली दो। पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी गालियां दें, लेकिन मुझे जनता का प्यार मिलता रहेगा। भाजपा अपने कार्यकाल की बातें करें, अपनी उपलब्धियां बताएं, वो तो वे लोग करेंगे नहीं। एकमात्र एजेंडा बचा है, कमलनाथ को गाली दो। व्यक्तिगत गाली दो, अपनी बात करें, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपने कार्यकाल की बातें करें, वो तो करेंगे नहीं। एक ही एजेंडा बचा है कि कमलनाथ को गाली दो। उन्होंने कहा अच्छा है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वे स्वयं अपनी आंखों से देख लें मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का क्या हाल है, किस प्रकार से आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश बन गया है। कमलनाथ ने पोस्टर वार पर कहा पोस्टर की गंदी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही की है, किसी थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवा कर स्तरहीन राजनीति पर उतारू हैं। भाजपा को दिन रात सपनों में भी कमलनाथ दिखाई देते हैं। यह फिल्म बनाए, पोस्टर बनाए, वेबसाइट बनाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शिवराज जी तो स्वयं अच्छे कलाकार हैं, वे स्वयं अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। जनता अब उन्हें विदा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी आ रहे, वो अपनी आंखों से मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लें, उसका खुद असेसमेंट कर लें कि कितना भ्रष्टाचार है, कैसे आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। इसकी शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए, ये वीडियो बनाए, फिल्म बनाए। फिल्म तो शिवराज सिंह जी तो खुद ही एक्टिंग कर सकते हैं, कि उसके उससे बड़े एक्टर तो है नहीं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।